सर्वाधिक बेरोजगार नौजवान कहीं पर है तो भारत में। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के नौजवानों की प्रतिभा पर, उनकी योग्यता पर, उनके क्षमता पर क्या तुम्हें संदेह है? दुनिया के किसी देश में चले जाइए बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश है तो सचमुच यदि किसी देश के नौजवानों की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता की सराहना करता है तो हमारे भारत के नौजवानों की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता की वह सराहना करता है। आईटी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में दुनिया के जो विकसित देश हैं, जाकर वहां पर कोई देखे तो उन देशों के लोग हमारे नौजवानों के योग्यता और प्रतिभा की सराहना करते। लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बावजूद, योग्यता प्रतिभा हासिल करने के बावजूद, हमारा नौजवान अपने मजबूत हाथों को लोगों के, नेताओं के सामने, नौकरशाहों के सामने फैलाकर वह अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार की तलाश कर रहा। कैसे हम भारत को दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़ेंगे, एक सबसे यह बड़ा सवाल है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, जैसा विजय गोयल ने आश्वासन दिया, हमारी सरकार आएगी, हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि 5 से लेकर 7 वर्षों के अंदर दिल्ली में जो लोग भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उन सारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आज इस रैली के माध्यम से, यह तो हम करेंगे। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी आपको समझना होगा, समझना होगा कि इन 65-66 वर्षों में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने हुकूमत की है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में, कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो कि अपनी सरकारें कुछ राज्यों में लंबे समय से चला रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश में एक बार 6 वर्षों तक सरकार चलाने का अवसर मिला है। 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। आपने देखा होगा आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित रखने में यदि किसी सरकार ने सफलता प्राप्त की है तो उस सरकार ने सफलता प्राप्त की है जिसके प्रधानमंत्री हमारे नेता श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, उसी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। अन्य बहुत सारे मामलों में जो कामयाबी हासिल की, और मेरे बेरोजगार नौजवानों, आपको भी जानकर यह आश्चर्य होगा, यह मेरा आंकड़ा नहीं है बल्कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है कि हमारी सरकार ने 6 साल के अंदर 6,70,00,000 रोजगार के अवसर पैदा किए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर 2010 तक केवल 27,00,000 रोजगार के अवसर सृजित करने में कामयाबी हासिल की है। कैसे यह कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान कर सकती है? उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। मैं लंबा उदाहरण गुड गवर्नेंस के बारे में अथवा सुशासन के बारे में नहीं देना चाहता हूं। जहां तक हिंदुस्तान की चौड़ी चौड़ी सड़कों का सवाल है, आप स्वयं समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि 6 वर्षों के अंदर जितनी हमने सड़कें बनाई हैं उतनी सड़कें बीच के 6 वर्षों को छोड़कर 80 से लेकर 2012 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने बनवाई है, यानी 50% से अधिक। यह सारी नेशनल हाईवेज की जो चौड़ी चौड़ी भव्य सड़कें दिखाई दे रही हैं, उनको बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार को जाता है। मैंने तो यह केंद्र सरकार की बात कही है, आता हूं मैं राज्य सरकारों के संबंध में। आप हमारी गुजरात सरकार, वहां के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह आप जानते हैं, मैं उनके कामों की सराहना क्या करूं, मैं सारे उदाहरण यहां नहीं देना चाहता। लेकिन आज तो हमारे गुजरात सरकार के परफॉर्मेंस की सराहना केवल हिंदुस्तान में ही नहीं हो रही है बल्कि सारे दुनिया के कोने कोने में हो रही है। इस हुकूमत कैसी होनी चाहिए, लोग उदाहरण देते हैं। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, जहां पर शिवराज सिंह जी चौहान, कई मामलों में तो उन्होंने मिसाल कायम की है,
कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ रेट, विकास दर आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राज्य की नहीं रही है, और न तो केंद्र सरकार की विकास दर कृषि के क्षेत्र में कभी इतनी रही है जितनी की आज हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में 19% के आसपास की विकास दर आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अधिकांश लोग इसमें किसान परिवारों से भी आते हैं, कि आपको जानकर यह खुशी होगी स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1% और 0% ब्याज दर पर किसानों को और गरीबों को कर्ज देने वाली यदि कोई सरकारें यदि से हिंदुस्तान में हैं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। लेकिन इस हुकूमत ने अपने 54-55 वर्षों के शासनकाल में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके 67% 67% लोगों को पेट भरने के लिए अनाज मुहैया कराने की आवश्यकता पड़ रही है, सस्ते दर पर अनाज मुहैया कराने की आवश्यकता पड़ रही है। और ये हमारी सरकार फूड सिक्योरिटी बिल जो है संसद में ला चुकी है, अब उसे पारित होगा ही, वैसे भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। क्योंकि यदि ऐसे हालात सारे हिंदुस्तान में इस हुकूमत ने बना रखे हैं तो उन गरीबों का कोई दोष नहीं है। यदि वह गरीब हैं तो अपनी बदकिस्मती से वह गरीब नहीं है, यदि वह गरीब हैं तो इस कांग्रेस हुकूमत की बदनीयति से वह गरीब है, अपनी बदकिस्मती से वह गरीब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम उसका निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। अब मैं तीसरी सरकार अपनी राज्य सरकार की बात आता हूं, छत्तीसगढ़ में गरीबों को जो खाद्यान्न मुहैया कराने का सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बहनों भाइयों केवल भारत में ही उसकी सराहना नहीं हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी सराहना हो रही है। वहां भी किसानों को 1% और 0% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जा रहा है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान की एक हमारी गोवा की सरकार है, गोवा की सरकार के बारे में भी आपने सुना होगा, सारे हिंदुस्तान का भाजपा शासित राज्य गोवा है, जहां पर कि मनोहर पर्रिकर हमारे मुख्यमंत्री हैं। उस गोवा में यदि कहीं पर पेट्रोल डीजल से भी सस्ता मिलता है तो वह भाजपा शासित राज्य गोवा में मिलता है और हिंदुस्तान के किसी दूसरे स्थान पर नहीं मिलता। यानी अब भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानने लगे हैं कि सचमुच अच्छी सरकार चलाने में महारत यदि किसी राजनीतिक पार्टी को है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास वह महारत है। यह सारे दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे। लेकिन यह हमारी हिंदुस्तान में जो इस समय कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में भी, केंद्र में भी, तो बहनों भाइयों सचमुच यह हिंदुस्तान के गरीबों के गरीबी के साथ क्रूर मजाक कर रही है। गरीबी को दूर करने के लिए कैसे प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार को इस बात की चिंता नहीं है, बल्कि सरकार तो शायद यह चाहती है कि हिंदुस्तान के गरीबों को गरीब बनाकर रखो और जब चुनाव का समय आ जाए तो कुछ चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर उनके नीयत और ईमान को खरीद कर अपनी सरकार बना लो। शायद इसी बदनीयति के कारण आजादी के इतने वर्षों के बावजूद हिंदुस्तान की गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो पाई है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक नेता तो इस सीमा तक बढ़कर बोलते हैं, कहते हैं चले जाइए मुंबई में 12 रुपए में एक व्यक्ति का पेट पूरी तरह से भर सकता है दोनों समय, वो अपना 12 रुपए में केवल पेट भर ले। दूसरे कांग्रेस के नेता ने कह दिया अरे 12 रुपए नहीं 5 रुपए में पेट भर सकता है। तीसरे ने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो उसने कह दिया कि नहीं 5 रुपए नहीं 1 रुपए में पेट भर सकता है। उस समय भी मैंने कहा था कि गरीबों की गरीबी के साथ यह क्रूर मजाक मत करो कांग्रेस के मेरे दोस्तों। गरीब की आह सबसे बुरी आह होती है, जो बड़ी से बड़ी ताकत को भी भस्म कर देती है, ऐसी गरीबों की आह होती है। और हिंदुस्तान के गरीबी के संबंध में आंकड़े मत देखो,
यदि हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी यदि देखनी है तो हिंदुस्तान के गरीबों की आंखों में झांक कर देखो, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि वास्तव में यह गरीबी कैसी होती है। बहनों भाइयों, सचमुच आज यह सारा देश यह परिवर्तन चाहता है। इस देश में महंगाई को यदि कोई नियंत्रित कर सकता है, इस देश में को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट से यदि कोई निजात दिला सकता है, इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा यदि कोई कर सकता है, तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रक्षा कर सकती है। इसलिए मैं आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव, उसके पहले हमारे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यहां से संकल्प लेकर इस रामलीला ग्राउंड से जाइए कि चाहे हमें जितना भी जिस्म का पसीना बहाना पड़े, हम अपने जिस्म का पसीना बहाएंगे और दिल्ली राज्य की भी सरकार को बदलेंगे और साथ ही साथ केंद्र की सरकार को बदल कर ही हम दम लेंगे। क्योंकि अगले 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त के बाद यदि दूसरा जो 15 अगस्त आने वाला है, तो उस 15 अगस्त को यदि भारत का झंडा, जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक झंडा, तिरंगा झंडा होता है, उसको यदि लाल किले पर कोई फहराएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लाल किले पर भारत का तिरंगा झंडा फहराएगा। यह संकल्प लेकर हम सभी को जाने की जरूरत है। मैं पुनः यहां की पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ जो लोग भी प्रदर्शन में भाग लेने आए हैं उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सचमुच बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित किया है और इससे जो संदेश जाना चाहिए वो अपने आप वह संदेश चला जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।